नीचे बैठने वाले लोग कहाँ गए? हटा दीजिए उसको, आगे ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, और नज़दीक में आ जाइए। Shall we begin now? Chalo theek hai, sit straight, close your eyes, we'll do prayer. तो आज के सेशन में कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? 1 2 3 4 5 पहली बार आए हो। आवाज पहुंच गई जी? आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। तो आज तो खाने पीने की समस्या नहीं है, आज के पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे जिसे पहले प्रसाद बाद में प्रोग्राम है। एक बात का डर है कि नींद कहीं ना आए, बस ये पॉसिबल है कि हत्याहार हुआ हो, निम्न आहार में तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हम
क्या जानेंगे, डाइट के ऊपर। डाइट सारा से आपका डाइट का ही है भोजन। और बड़े दुख की बात, आज मैं सुबह से बहुत थोड़ा निराश मुद्रा में था, क्योंकि लोग वहां अपने डाइट चेंज नहीं करना चाहते, और जिन्होंने गलती से चेंज कर लिया वो ठीक भी हुए। तो डाइट को ठीक करना मेरे ख्याल से डाइट सभी का परेशानी का कारण है और सभी का सॉल्यूशन डाइट है। 99% डाइट से ही काम बिगड़ता है और 100% डाइट से ही सुधरेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नास्ती 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 ये भी एक फैक्ट है। जैसे एक फैक्ट है अरे नामारी जी केवलम, और कोई नास्ती नास्ती रहो है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि डाइट को ठीक करना सबसे मुश्किल काम पता है दुनिया में क्या है। एक राजा ने बाहर में कह रहा हूँ, कहते हैं कुत्ते की जो पूंछ होती है ना अगर सीधी हो जाए, सीधी होना बड़ा मुश्किल काम है। कभी आने से पहले मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था खाने के ऊपर ही, मैं सोचा कि आज आप लोगों को शेयर करूँगा वो स्टोरी। वो एक तेनालीराम जानते हो ना, ये स्टोरी तेनालीराम की है। तो राजा के दरबार में है ना ये हुआ कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करना है। आप जानते हो इस स्टोरी को, तो मैं नहीं बोलूँगा। नहीं जानते, नहीं कोई तो जानते होंगे भूल गए तो एक्चुअली क्या हुआ उसमें कुछ कंपटीशन हुआ, मतलब ये था कि कुत्ते की दुम को कैसे सीधी की जाए, चैलेंज था। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट राजा ने आदेश दिया कि ठीक है इसको तुम लोग करके दिखाओ, और जिसने ऐसा कर दिया उसको तेनालीराम की जगह पे मिनिस्टर बना दिया। तेनालीराम मिनिस्टर थे वो। तो सभी दरबारियों ने कोशिश करे, किसने क्या किया कुत्ते के दुम में लकड़ी लगा दिया और बांध दिया। 6 महीने का टाइम था, इट वॉज 6 मंथ टाइम। जनरली हम स्वास्थ्य के मामले में 90 डेज का टाइम लेते हैं लोगों से, 90 दिन तक थोड़ा सा दीजिए। फायदे तो होते हैं 10 दिन में ही, 5 दिन में ही, 1 हफ्ते में ही। आपको 1 हफ्ता में जो चेंज हुआ है, एक यहाँ पे डिवोटी है, यहाँ बुलाऊंगा बाद में, नॉट नाउ। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुत्ते के पूंछ में लगा दिया इतना बड़ा डंडा और बांध दिया। किसी ने क्या किया कि बड़ा सा पाइप था वो सेट कर दिया उसके पूंछ में। कुछ लोगों ने क्या किया कि बड़ा सा एक क्या बोलते हैं पत्थर लटका दिया, किसी तरीके से सीधा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो तेनालीराम ने क्या किया, समय कितना था 6 महीने का, हम देखते हैं ना 90 दिन का समय है, ध्यान रखना बाद में काम आएगी ये सब वर्ड। तो लास्ट में जब 6 महीने बाद प्रेजेंटेशन हुआ कि भाई देखते हैं किसका कुत्ते का दुम सीधा हुआ कि नहीं हुआ, तो सबने क्या किया राजा के सामने ही, किसी ने वो डंडा हटाया, किसी ने अपनी वो पाइप हटाए, किसी ने पत्थर हटाया, तो फिर भी कुत्ते का दुम टेढ़ा ही निकला। लेकिन जब तेनालीराम ने कुत्ता को लाया तो उनका दुम सीधा था, सीधा था वाकई, ये इम्पॉसिबल नहीं है, दैट वॉज नॉट इम्पॉसिबल। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि आपने ऐसा कैसे किया। पहले तो क्रोध आया कि तुमने इस कुत्ते के साथ किया क्या, इतना दुबला हो गया, लगता तुम इसके साथ जास्ती नहीं किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके दुम को सीधा करने के लिए हमने इसको उतना ही भोजन कराया जितना इसको जिंदा रहने के चाहिए। तो ये स्वस्थ भी हो गया और इसे पूछ भी सीधा हो गया। तो उसने क्या किया, भोजन कम। तो आज लोगों बाकी भोजन कर करके क्या हाल है समझ सकते हो। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट भोजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यही क्या किया था, भोजन को कम कर दिया था कुत्ते का। तो कुत्ते के दुम भी सीधा हो सकता है तो बाकी बीमारी क्या है। क्या ये मैंने कह